हम टू बी फॉर्म का फ्यूचर टेंस देखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में देखा था। पास्ट और परफेक्ट यानी कि टू बी का पास्ट परफेक्ट हमें पता है कि पास्ट यानी कि वोज वर्ब का यूज जहाँ होता है वो कोई होने की चीज बताते हैं, और कहीं भी इन इज आर का यूज होता है तो वो एक प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है और टू बी की फॉर्म है और प्रेजेंट टेंस बताती है। तो आज हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में क्या आएगा। तो फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी से हमें पता चलता है कि वो होने की बात हो रही है और वो फ्यूचर में होगी। तो ये देखेंगे कि आई के साथ शैल आए क्या विल आए। तो हम पहले शैल ही यूज करते थे आई के साथ, लेकिन अभी के इंग्लिश में सभी जगह हम विल का यूज करते हैं, यानी कि आई शैल बी भी लिखा जाता था और आई विल भी लिखा जाता था। तो इसमें एक सेंस ये निकलता था, कोई निश्चित बात हो तो आई विल भी कहते थे, लेकिन अभी के इंग्लिश में हम सभी जगह विल का यूज कर सकते हैं। तो आई शैल, आई विल बी, वी विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, दे विल, ये सब क्या बताया था। आई विल बी, मैं होंगी, आई विल बी एट होम, मैं घर पर होंगी, जो होने का सेंस बताने के लिए यूज कर लिए। टू बी यानी कि होना, और फ्यूचर टेंस यानी शैल और विल, ये फ्यूचर टेंस की कोई एक्शन वर्ड है। विल के बाद हम कोई एक्शन वर्ड, विल वर्क तो काम करने की बात होती है, विल गो मैं जाऊंगी ऐसी बात हो, लेकिन विल बी ये बताता है कि ये कोई होने का सेंस है। तो पहला सेंटेंस है आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी या तो मैं टीचर हूंगी। अभी की बात नहीं रही, अभी मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन अगले साल भविष्य में यानी कि फ्यूचर में ये मैं टीचर बनूंगी या तो टीचर होगी का एक सेंस है। यू विल बी एट स्कूल, स्कूल एट स्कूल एट स्कूल पर, विल बी क्या बताता है वो फ्यूचर में, यानी कि कल होगा या नेक्स्ट वीक होगा या नेक्स्ट मंथ होगा ऐसा बताता है, यानी कि विल बी ये बताते कि वो फ्यूचर में बात हो रही है कि तुम स्कूल पर होंगे। ही विल बी एट क्लास टुमारो, ये टुमारो ये बताता है कि वो कल की बात हो रही है, यस्टरडे है तो वो पास्ट की बात है, लेकिन टुमारो है वो फ्यूचर की बात हो रही है। ही विल बी एट क्लास, सी विल बी नॉट बी देयर, ये नॉट है कि विल और बी के बीच में जब हम नॉट लगाते हो तो वो नेगेटिव वाक्य हो जाता है। सी विल नॉट बी देयर, वह वहां पर नहीं होगी। राही विल नॉट बी वीक, राही वीक नहीं होगी। दे विल बी एट होम, वह घर पर होंगे या वे घर पर होंगे। यू विल बी अ सिंगर, तुम सिंगर होंगे या तुम सिंगर बनोगे। वी विल नॉट बी एट होम टुमारो, वी यानी कि हम नहीं होंगे एट होम टुमारो, हम कल घर पर नहीं होंगे। और इसका क्वेश्चन बनाना है तो विल को हम आगे ले लेंगे और सब्जेक्ट यानी कि यू है, वी है, दे है, ये सभी सब्जेक्ट के रूप है, वो विल के पीछे आएगा तो वो क्वेश्चन होगा। विल यू बी इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल हम दिल्ली में होंगे ऐसा सेंस निकलता है, और उसका आंसर हम यस और नो में ही दे सकते। यहाँ विल है सभी जगह, इसका आंसर कोई सेंटेंस में नहीं आएगा, लेकिन यस या नो से ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। दे विल दे बी देयर नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो वहां होंगे ऐसा कोई यस या नो का ही आंसर आएगा। विल विवेक बी अ फेमस एक्टर, विवेक फेमस एक्टर होगा। विल नॉट यानी कि क्वेश्चन में भी जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है तो विल के बाद ही नोट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर भी आएगा। विल नोट आई बी अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन नहीं होऊंगा। विल नोट वी बी इन कश्मीर नेक्स्ट ईयर, अगले वीक या तो अगले साल इन कश्मीर। विल नोट बी, अगले साल हम कश्मीर में नहीं होंगे, ये सब दिखाने के लिए विल बी ये बताता है कि वो फ्यूचर की बात हो रही है। तो हमें फ्यूचर टेंस में यही याद रखना है कि जहाँ विल भी आए तो वो फ्यूचर टेंस है, और हमारा कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बनाना है, फ्यूचर की कोई बात करनी है तो हमें विल का यूज करना है। इसी तरह हमने टू बी के फॉर्म पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हमने सीखी।
पास्ट और प्रेजेंट टेंस टू बी के फॉर्म की वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप ये तीनों वीडियो लेक्चर साथ में देखेंगे तो टू बी फॉर्म का कोई भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ जाएगा।